व्हेन आई वाज इन एमआईटी पुणे, तो ऐसा हुआ कि मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सीओपी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे से थे, और वो लोग कैट का तैयारी कर रहे थे, वहां से बहुत लोग जाते थे, और एमआईटी से कोई नहीं गया था तब तक, मतलब नोबडी हैड गॉन डायरेक्टली, वी आर द 7th और 8th बैच ऑफ द कॉलेज. मैं थोड़ा सा इंस्पायर हो गया उन लोग को देख के, और मुझे पता था कि मैं स्कूल वाले एग्जाम में तो अच्छा नहीं करता हूँ, लेकिन जब भी कुछ एप्टीट्यूड टाइप का टेस्ट होता तो मैं अच्छा करता, मुझे और बड़ा मजा आता था, उतना मुझे इंडिकेशन था. जब ये हुआ कि कैट में इस तरह के आते हैं क्वेश्चन, आई डिसाइडेड कि चलो ट्राई करके देखते हैं. एवरीबडी वाज टेलिंग मी अराउंड मी कि तुमसे नहीं होने वाला, यू आर नॉट द काइंड ऑफ गाय हु गोज टू आईएम. सब लोग मेरे को बोल रहे थे, एमआईटी से कोई आईएम जाता है क्या, तुम्हारे बैकग्राउंड वाला कोई आईएम जाता है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. राइट, सो बिफोर स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आई डिसाइडेड कि चलो किताब खरीदते हैं. पहला चीज तो वही करते हो आप, आई वेंट टू दैट टू दोस बुक शॉप्स वन डे कि चलो कैट के ऊपर किताब खरीदते हैं. दिस इज 1992, I was 20 years old, you guys were around 7-8 years before being born. मैं गया किताब के दुकान में और मैं खोज रहा था किताब, कैट की बुक्स को एक्सेट्रा. मुझे नहीं पता था कि 10 साल बाद वही दुकान मेरी किताबें बेचेंगे. I never knew that. So I was standing and looking at these books which had cat written on them. और सब रद्दी था, मतलब maybe it's my first inspiration of writing that book happened from that incident only. Everything was crap, जो भी लिखा हुआ था. Anyway, मैं इसे देख रहा था तो मेरे बगल में एक सज्जन है, मेरे लेफ्ट साइड में, ही केम टू मी, ही स्टार्टेड लुकिंग एट मी. तो आप जो किसी दुकान में खड़े हो, कुछ देख रहे हो बुक शॉप में, आपके बगल में कोई खड़ा हो के आपको, आपके ऊपर पीयर कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाता है ये सज्जन मेरे सामने, मेरे लेफ्ट में खड़े होके मेरे को देख रहे थे. थोड़े मेरे से बड़े थे, आई वॉज 19-20 एट दैट टाइम, ही वॉज स्लाइटली ओल्डर देन मी, विच वॉज ऑब्वियस फ्रॉम हिज लुक्स एक्सेट्रा. तो मैं उनको मुड़ के पूछा कि क्या क्या बात है भैया, व्हाई यू लुकिंग एट मी. अभी मेरे जिंदगी में एक्चुअल हुआ है, 100% ट्रूथ. तो ही टेल्स मी कि कैट के बारे में सोच रहे हो क्या. तो आई सेड हाँ, अभी सोचना शुरू ही किया है सर. तो बोलते हैं कि कैट बहुत मुश्किल एग्जाम है. तो मैं बोला कि हाँ सुना है मैंने भी, बिकॉज सब लोग तो बोल ही रहे थे कैट मुश्किल है. तो मैंने बोला मैं भी सुना. तो मैं बोला आप जब इतना बता ही रहे हैं तो अपनी तारीफ भी बता दीजिए, आपकी तारीफ क्या है, व्हाट डू यू डू. ही सेज दैट मैं तो कैट 4-5 बार दिया, उसके बाद हुआ नहीं मेरा. तो मैंने काफ़ी कोशिश किया कैट में, तो नहीं हुआ तो मैं आईआईटी से एमटेक कर लिया. तुम भी वो ट्राई कर सकते हो, आईआईटी से एमटेक कर लो. तो आई सेड वाओ, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट के लिए वो आईआईटी एंड भगवान टाइप लगता है ऐसे भी. तो मेरे को भगवान ही दिखने लगा कि वो भगवान बोल रहा है कि कैट वैट नहीं होने वाला है. तो मैंने जो भी किताब देख रहा था मैं वहीं रख दिया. And I moved out, I moved back home, कि चलो छोड़ देते हैं. But ये जो फीडबैक बार बार आता है ना दुनिया से, इसको कभी ना कभी ब्रेक करना पड़ेगा तुमको.